लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बना, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं, उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय लें, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाए। आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस, कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुकता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें, मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दो तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंग कर देते हैं। स्मरण रखिए, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होता है। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि यही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं ये दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूं ये सौभाग्य है। कैसे संदेह किस पर किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता लोहे की नहीं, कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रत्नकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते, इसे कंकड़ को नहीं। इसलिए ये सोच इसे सकारात्मक बनाए। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण हुए और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न आपके जीवन को चमका देगा। सब कहते हैं, मैंने भी कहा है कि व्यक्ति जिस संगत के साथ बैठता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। ये सत्य है किंतु ये अर्ध सत्य। हाँ, वर्षा की बूंद जब सर के मुख में जाती है तब वो विष बनती है, वही जब सीप के भीतर जाती है तब वो मोती बनती है। किंतु व्यक्ति का स्वभाव ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी पुष्प को देख लीजिए, उस पुष्प से जुड़े उन कांटों को देख लीजिए। सहस्त्र वर्षों से ये कांटे पुष्प से जुड़े हुए हैं, किंतु आज भी चुभते ही हैं, पीड़ा देते ही हैं, सुगंध नहीं देते। क्यों? क्योंकि चुभना कांटों का स्वभाव है। समझे, सर्वप्रथम अपने मन के भाव को बदलिए, तत्पश्चात संगत का स्वभाव बदल सकते हैं। और यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका संसार प्रसन्नता से भर जाएगा। संसार को यह भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु भाग्य प्रारब्ध ये तो सबके लिए समान ही होता है। ये तो पानी वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु उसका उपभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूं,
चलिए दो व्यक्ति हैं, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों को फेंक के मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। वही दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर की अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी जो धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगा। हाँ, ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो, स्मरण रखिए ये भाव ही है जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, जल कहां कहां पाया जाता है? कोई कहेगा सागर, कोई कहेगा झरने में, सरोवर में, नदी में, और सारे उत्तर उचित है। इनमें से किसी भी स्थान का नाम लो, वहां मिलता क्या है? जल। उसी प्रकार मनुष्य का जो भी स्वरूप हो, उसमें रहता वही परमात्मा है। वही परमात्मा जो प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है, वही जानता है। अब चाहे माता देव की हो या यशोदा मई, यात्रा ममता की ही है। अब चाहे रुक्मिणी हो या राधा, यात्रा प्रेम की ही है। तो इस प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये व्यवहार प्रेम पूर्ण रखें। आपका हर एक संबंध, हर एक बंधन पवित्र हो जाएगा। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता, यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें, तो ना हमें समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। ये मनुष्य समझौता या न्याय केवल तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम, प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है साफ, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें, जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है, किंतु किसने सोचा कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है,
जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट के आता है, तभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो ना केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्ति? चाहे आपका पाना और खोल दोनों जीवन के अभिन्न अंग, हम कुछ पाते हैं कुछ खोते भी, कुछ स्वप्न साकार होते हैं कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता है, हर एक के जीवन में होता है, किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया, स्वयं भी दुखी होते हैं सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए, ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं उसकी आस में त्रास क्यों सहना? उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान है। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन झिझोड़ा, मैं गिनती करता हूं यशोदा मैया की, मेरे बलराम दाव की, मेरी राधे की, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान, छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होनी है, यही नियति। अब एक बात, मृत्यु सभी को आती, जीवन जीना सबको नहीं है। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसीलिए जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं चाहे आप चाहे हर कोई, एक न एक दिन संसार से जाने वाला। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या, ये महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। कहा जाता है व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए, जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा।